अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आमना, मेरे साथ हैं आप भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करें हम नाश्ते से। ये इतनी सुबह फाइनली ये हमारी रूटीन सुबह की हो गई है। ये स्टार्ट अभी भी सही से नहीं हुई, बट हो गई है। ये सुबह भी नहीं है, 11-12 का टाइम था बताऊंगी तो आप लोग हंसी आएगी। हम 3-4 बजे नाश्ता करते हैं। 3-4 बजे नाश्ता होती है। खैर, ये नाश्ता बना रहे थे, पराठे बनाए। अच्छा, सबने नाश्ते कर लिए थे। ये मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने नहीं किए थे नाश्ते, आपका मूड नहीं था और मैंने अपने लिए बनाया। जब मैं ले जाके बैठी सबके लिए, कितनी चला के अपने लिए कड़क कड़क पराठे बनाती। नहीं, वो असल मेरे मियाँ जी ने से ये कहा था, लेकिन वो खुद ना कह रहे ना, मुझे पराठे इतना हेवी लग रहा, हल्का हल्का सब अच्छा दिल चाह रहा था अम्मी को दाल चावल का, क्योंकि पता है ईद का टाइम था, बिरयानी वगैरह ये चल रहा था, तो वीडियो तो हम ज्यादा शूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिर पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा था। हम लोग को ही टाइम नहीं मिलता है, या पता नहीं क्यों मोबाइल फिर बार बार लेना शूट करना बहुत मुश्किल लगा था। तो फिर अम्मी ने कहा दाल चावल वगैरह, और मेरे भाई लोग ऐसे, उनको बोलो तो बोलते हमें भी काम है। कोई करता ही नहीं है, फिर कोई नहीं करता। हम दोनों किचन में होते हैं तो फिर हम दोनों काम कर लोगे मोबाइल ले। अभी हमारी अम्मा बताई थी, आमना ना आलू कट कर रही थी, अम्मा कह रही ऐसे ऐसे कट कर, आमना फिर मेरे कपड़े देखे आलू कट कर दिए, वैसे नहीं काटे मैंने कहा आप करके दिखा दे। अच्छा, ये जो भुजिया बना रही है आलू ना, आलू और करेले, हम करेले सुखा देते हैं, हम काट के धो के सुखा देते हैं, ज्यादा सुखा कर देते हैं। और ये भुजिया आसिया बनाई थी, वो कही थी मैं बना रही हूँ, बता देंगे। और अच्छा, ये हम लोग बॉयल चावल खाते हैं, बड़े शौक से भरते बनाया था, ये करेले की भुजिया दाल, बड़ा मजे का लगा था खाना, वाकई मजा आ गया था। अम्मी को खाना था, बाहर मेरे को नहीं पसंद है ये, पर नहीं मजा आया था उस दिन। अच्छा, मुझे दाल पसंद है नहीं, वैसे मैं खा लेती बगाए चावल के साथ, दाल अच्छा लगता है मैं। हाँ, ये तो है, बगाए चावल वाले तो वो अलग होते हैं ना। अम्मी को दे, ये हमारा दस्ता खाना लगा था, हम खा। अच्छा, हमें प्लेट में खाने की आदत है, हमें हमारे पास बहुत सारे स्टील के बर्तन, बहुत सारे स्टील के। और ये शाम में अम्मी ने बताया शीर खोरमा बना दो, फिर वो बना बस वो। और ये मैं जा रही थी क्या शाम के टाइम आलियन के कोर्स वगैरह लेना, यूनिफॉर्म अमन टावर। मैंने कहा अमन टावर में इनके ड्रेसेस, स्कूल के यूनिफॉर्म मिलते हैं। हाँ। और बुक्स कहीं और से लेना था। मैं फिलहाल तो भी अमन टावर जा रहे हैं, सोच रहा था, फिर जब बोलना शुरू हुआ है, अभी तो ये चुप लग रहा है आपको, लेकिन जब इसने जो बोलना शुरू किया। अच्छा, आप ही को देखिए, अपने बच्चे को पीछे फेंका हुआ, खुद आगे बैठी, उसे बिठा रही, वो सब कुछ बैठता नहीं है ना, तो इसलिए इसको पीछे बैठा दिया था, फिर मैं आगे बैठी थी। बैठा हुआ है वो बस 2 मिनट का काम था। फिर ये पहुंच गए थे अमन टावर, फिरोज सन्स थे, वो अच्छी शॉप थी इनकी, चीज अच्छी थी। मैं नहीं गई थी साथ, मुझे पता नहीं, और मुझे वीडियो शूट नहीं करना आता। अच्छा, मैंने चाहते हुए अभी को कहा मोबाइल ले जाओ यार, शूट कर लेना थोड़ा बहुत ना, फिर क्या बनाएंगे। फिर मैं सही कहता शूट करना मुझे नहीं आता, मुझे अच्छा ही लगता है, देखते मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। फिर भी मैं मतलब बड़े मुश्किल से थोड़ा लगे शूट कर रही थी। अच्छा, अभी आलिन का स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, 3 तारीख से, तो उसके कोर्स सब कुछ न्यू चीजें लेनी थी, शूज आपको पता है, फिर शूज वगैरह, टोटल चीजें ली है। अब हमने यहाँ से यूनिफॉर्म लिया, बैग लिया, लंच बॉक्स लिया, इसके सॉक्स लिया हमने, बेड लिया है, हाँ ये चीजें ली थी, बैग लिया। हाँ, यहाँ पे भी आएगा ना चीजें। अच्छा, डिस्काउंट भी दिया था उन्होंने, काफी अच्छा मतलब प्राइस लगा दिया था उन्होंने, अच्छी मतलब जो बैग हमने 2800 का था, तो उन्होंने क्या बोलते हैं 2300 का लगा दिया था। अच्छा, मतलब अच्छी पार्किंग की थी उन्होंने, बहुत अच्छा मतलब काफी कोऑपरेट कर रहे थे हमें। ये काफी कोऑपरेट कर रहे थे, ये शूज वगैरह चेक करवा बताया था ना, चांद रात में हमने पूरा आधा दिन अमन टावर में गुजारा था। असल में हमारे घर से वो पड़ता है करीब ना, करीब, तो इस वजह से भाई हमें छोड़ते हुए जाते, तो हम शॉपिंग आराम से कर लेते, आने की टेंशन नहीं होती, और कहीं दूर जाए ना। बाबा को देखे ये ब्लू बैग पसंद आया था, और मुझे भी अच्छा लगा था, ये बैग बहुत प्यारा लगा जब ये आलिया ने बैग अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने ये बैग लिया, और मतलब बहुत सारे लगे थे, पर ये पसंद आया इनके बाबा को ना, तो उसके बाबा ने बैग था, उसके बाबा ने कहा नहीं व्यू। और ये बॉटल ली थी पानी की, लंच लंच बॉक्स काफी बड़ा है, उसके बाबा ने कहा ले लो। मैं मुझे अच्छा, मुझे लंच बॉक्स जो है ना इम्तियाज से जो मैं लाती हूँ, मुझे वो अच्छा, मुझे भी इम्तियाज वाले अच्छे लगते हैं। इनके बाबा ने बोला चलो ये भी ले लो एक, और ना वहां से भी ले लेना, तो मैंने कहा ठीक है अभी फिलहाल यहीं से ले लेते हैं। तो बस ये सब चीजें पैक हो रही हैं। अच्छा, इन्हें लेना था बुक्स भी यहाँ से, बट तो यहाँ पे मिला नहीं ना, मिला नहीं, कहीं और मिलता है। तो फिर इन्होंने बोला कि आप उर्दू बाजार चल जाएं। हाँ। आपको कम से कम ये 3-4 हजार रुपए
आपका फर्क पड़ जाएगा। तो वैसे फर्क की बात नहीं है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा ना, मेरे नासिर कहा नहीं, असल में बुक्स के कुछ चीजें नहीं थी, बुक्स पूरी फुल नहीं थी यहाँ पे, तो वो उर्दू बाजार में मिली थी। अब जब लेनी है तो फिर फुल एक जगह से लेंगे ना। फिर हम उर्दू बाजार गए, तो ये उर्दू बाजार के लिए हम निकलने की तैयारी कर रहे, ये अमन टावर के बाहर हम, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ले, तो ये गाड़ी। अच्छा, मैंने चांद रात की ना वीडियो शूट की थी, बट चांद रात में हमें टाइम ही नहीं मिला, हम अफ्तार से 5 मिनट पहले घर आए और उसके बाद अफ्तारी जल्दी जल्दी किए, फिर हम आप ही की नन के घर चले गए, आप ही वहाँ पे मेहंदी लगाने लग गई सबको वहाँ पे, तो फिर मैं घर आ गई, घर आके इतने काम, फिर शूट करना ही भूल गए, और अरशान भी इसके बाद छोड़ के गई थी ना, ये अरशान को लेकर आ गई थी, फिर अरशान को सामान लाता, तो फिर काम, फिर आप जानते हैं कि ईद में हमने सो के बस गुजार दी, सो के गुजरी हमारी। तो फिर मैंने कहा अब क्या डालूं मैं व्लॉग ना, ये चांद रात की व्लॉग डाली नहीं चांद रात की ना, पर है कभी मैं उसे एडिट करूंगी, एडिट करके हम दिखाएंगे। हाँ, फिर वहाँ पे भी बार बार बोला झूला, आपने देखोगे मेला लगा हुआ था। हाँ, अच्छा अमन टावर में बार बार मैं वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पे ना बार बार स्पीकर में आवाज आ रही है कि ना अपना मोबाइल और ना पर्स संभाले, मोबाइल और पर्स संभाले, मैंने आप ही को दिया मोबाइल, मैंने कहा भाई तुम संभाल ही लो, आप ही आप रखो संभाल गए, अब बार बार बैग बैग कॉल पे कॉल आ रही है, फिर ना कुछ ना मुझे बहुत गुस्सा आता, फिर बाबा बैग मतलब कौन खोले, फिर मैं हाथ नहीं गिरी, आप ही संभाल मिलेगा, मैंने हाथ रखा बस। अच्छा मैं अपना मोबाइल साथ लेकर भी नहीं गई, इसी वजह से मैं अपना मैं ना व्लॉग शूट करूंगी, अब वहाँ पे रश भी है, और फिर वाकई में अगर बोल रहे तो किसी वजह से बोल रहे ना, वो पागल तो है नहीं, असल में लोग इतने रश होते हैं ना, तो फिर आपको पता है मैंने फिर मैंने ना आधी बिल्कुल ज्यादा वीडियो शूट नहीं, मैंने आप ही को कहा आप रख लें भाई मोबाइल, ये हम पहुंच चुके थे। हाँ, उर्दू बाजार हम पहुंच गए थे, पर उर्दू बाजार थोड़ा पीछे रह गए, हम काफी आगे आ गए, बातों बातों में उर्दू बाजार पहुंच गए और ये पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, ये कहेंगे 10 मिनट राउंड लगाते रह गए पार्किंग के लिए ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर एक बंदा जो है ना, वो शायद अभी चीज़ है, वो डिग्गी में रखा था, मैं इनको कह रही हूँ कि ना अब ना ये देखे ये हट चला जाएगा यहाँ पे, कह रहे नहीं नहीं, जब वाकई जब दोबारा राउंड लगा गया देखो वो चला गया। असल में पता है हमारे भाई को ना बड़ा मसला हो जाता है अभी ना गाड़ी पार्क करने में, कहीं भी ले जाते हुए वो बड़ा सोचते हैं। और ये देखे ये शॉप पे पहुँच गए हम। अच्छा मैं 2-3 दुकानें वहाँ पे वीडियो आपको नहीं वहाँ पर नहीं बनाई, क्योंकि वो फिर मुझे बार बार ना निकालना बहुत मुझे डर लग रहा था, स्नैचिंग का मसला नहीं है, वो जो डगे लोग कहते हैं शूट कर देते हैं बाद में जो चीज़ें ले लेंगे, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, बाकी चीजें ले जाए मसला नहीं, चीजें लेने के बाद भी तो वो लोग नहीं छोड़ते, तो मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं डर से मैं मोबाइल भी नहीं निकाल रही। मुझे डकैती से याद है कि चांद रात में मैं अपने घर वापस आ रही थी आप ही के नन के घर से ना, वहाँ पे एक औरत बुर्का पहन के खड़ी हुई हुई थी, तो फिर भाई मुझे कहने लगा कि ना ये बुर्का पहन के औरत खड़ी हुई है, मैंने कहा वो कह रहा चुड़ैल है, मैंने कहा चुड़ैल है तो सही, अगर डकैत हुआ तो भागो, आजकल चुड़ैलों से भी डर नहीं लगता, चुड़ैल से डर लगता है, डके से डर लगता है। तो ये देखिए हम बातों बात में हम वो शॉप से भी निकल गए, फिर हमें पूरी ना कोर्स वगैरह नहीं मिला था, फिर हम जो जहाँ पे पहले दिखाया था आपको मरियम अकेडमी में, कहीं ना कहीं 2-4 बुक्स रह जा रही बुक्स रह गई थी कि ना वो छपे ही नहीं है, अभी आ गए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, अभी तो नहीं छपे नहीं थे, नहीं अभी भी रह गए एक नहीं छपे। अच्छा फिर ये बाद में आलियन की ज्योमेट्री वगैरह लेनी थी, और आज अच्छा, तो प्यास लग गए थे, इतनी प्यास लगी थी, सारे बुक्स तो ले लिए आप ही ने दिखाया नहीं, अब ये इन्हें प्यास लग गई है, कुछ ना कुछ खाना होता है रास्ते हाँ। में हमें पागल अच्छा मैं रमजान में इसलिए बाहर नहीं जाती, कुछ खाने को नहीं मिलता मतलब कि रोजा होता है, कुछ खाना। अच्छा हमें बाहर डिनर करना था, फिर नासिर कहने लगे कि मुझे मतलब घर पे खाना खा के गए थे बहुत लेट, अरशान को छोड़ के गए थे, लेट हो गया छोड़ दो फिर नेक्स्ट टाइम, मुझे कहा था कल मैं तुम्हें ले आऊंगा, अब देखिए कल का दिन तो गुजर गया है, अब देखो कब यहां पे शिकायत यहां भी करूंगी, वो सुने तो पता तो चले। फिर उन्होंने कहा चलो आइसक्रीम, मुझे गुस्सा आ रहा था जब मुझे डिनर का बोल के, आज का ब्लॉग चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।